एक भाई ने पूछा है कि किसी को कोरोना हो गया है तो क्या वो कोरोना इस मरस की हालत में रोज़े छोड़ सकता है, बाद में कज़ा कर ले। देखें बिल्कुल, अगर तो सांस लेने में इंतहाई प्रॉब्लम होती है और मुसलसल दवाई इस्तेमाल करनी है, अगर सिर्फ इंजेक्शन या वैक्सीन वगैरह के लगने का मामला हो, वो मैं पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि फिर तो आप रोज़ा रखें, इंजेक्शन से रोज़ा नहीं जाएगा, वैक्सीन से रोज़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर और कुछ भी दवा अंदर लेनी हो तो फिर लाजिम सी बात है कि खाने या पीने से या दवा नाक या मुंह के ज़रिए अगर अंदर जाएगी तो रोज़े को ख़त्म कर देगी। ऐसी सूरत में अगर आप यूं कर सकें कि आप रोज़ा रखें, हिम्मत करके अगर पूरा रोज़ा गुजर जाता है, कोई परेशानी नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, और खुदा ना खास्ता अगर बीच में अटैक होता है, कोई बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है, तो फिर आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। इस सूरत में आप गुनाहगार नहीं होंगे, बाद में कज़ा कर लीजिएगा। लेकिन दोनों सूरतों में आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, ऐसा ना हो कि आप हमारे मशवरे पर अमल करें और बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत बिगड़े तो बाद में आप हमें ही बुरा भला कहें कि यार दीनदारों ने मरवा दिया, या घर वाले कहें कि ये पता नहीं किसकी सुन के इसने रोज़ा रखा और बेड़ा गर्क हो गया। डॉक्टर से ज़रूर मालूम करें कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर वो ये कहते हैं कि बहुत सीरियस कंडीशन है, इसमें आप किसी किस्म का रिस्क ना लें, तो बेहतर है कि फिर आप रोज़ा छोड़ दें। नेक्स्ट टाइम आप, यानी बाद में जब अल्लाह ताला आपको सेहत दे दे, तब रोज़ा पूरा कर लीजिएगा।